बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज आपको हम अकाउंटेंट के हवाले से काम बता रहे हैं, लेकिन उसमें हम सैलरी शीट का हम डेटा सेफ किस तरह से कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके 500, 600 या 100 इम्प्लाइज हैं तो आप उसके डेटा को सेफ कैसे कर सकते हैं या सैलरी शीट में कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें, इसको आपको पूरी देखना पड़ेगी, फिर आपको ये प्रोग्राम भी बनाना आ जाएगा। आप जब पूरी देखेंगे तो आपको प्रोग्राम बनाना आएगा, वरना नहीं आएगा। अब मैं इसमें पहले आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आईडी कोड, सपोज उसका आईडी कोड है जनाब 101, अब उसका नेम है सलीम, बेसिक पे है 20,000 रुपये, 20,000 बेसिक पे हो गई, हाउस रेंट है उसका 2,000 रुपये, फिर उसका कन्वेंस है उसका 3,000 रुपये, सपोज मेडिकल उसको मिल रहे हैं 3,500 रुपये, और ये टोटल, अभी हम टोटल का फार्मूला लगाते हैं, इनकम टैक्स उसकी कट रहे हैं 200 रुपये, फिर उसके बाद पेंशन उसके 500 रुपये डिडक्शन हो रही है, जीपी फंड उसकी 300 रुपये कट रहे हैं नेट पैड। तो मैंने एक यहाँ पे रख लिया है फार्मूला, यहाँ लगा के इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि ये हमारा काम कर देगा। ये हमने यहाँ किया, ये आ गया, और इसको आपने सिक्वेंस में कर दिया, और ये आपका जो है सेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम जब जैसे ही सेव सैलरीज करेंगे ये डेटा में चली जाएगी। ये देखें, अभी ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है सैलरी का कॉलम, यहाँ पे ये सैलरी, तो ये जब हम इसको यहाँ पे करेंगे सेव करेंगे ये मुंतकिल हो जाएगी। ये देखें, ये आपकी सैलरी यहाँ पे आ गई, ये सैलरी आपकी यहाँ आ गई है, इसको जो है ये सैलरी आपकी यहाँ आ गई, सलीम की सैलरी। अब मिसाल के तौर पर फिर हम लेते हैं इधर 203 नेम अलीम, बेसिक पे सपोज किया इसकी 30,000 रुपये है, और हाउस रेंट इसको मिलता है 3,000 रुपये, फिर उसके बाद कन्वेंस मिलता है इसको 4,000 रुपये, और इसका मेडिकल है 3,000 रुपये। तो अब उसका ग्रांड टोटल का चाहें तो पहले फार्मूला लगा लें, ऐसा मसला नहीं है, इसका फार्मूला यहाँ लगा दें, और क्योंकि बार बार फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, ये आपने लगा दिया यहाँ पे। अब उसके इनकम टैक्स डिडक्शंस हुई है, इनकम टैक्स डिडक्शंस हो गई उसकी 500 रुपये, पेंशन में उसने बोला कि 400 रुपये भाई डाल दें और 300 रुपये आपके इसमें। अब आपने क्या किया कि इसकी कॉपी इसको यहाँ रखा, और रख के आपने सेव करें, ये देखें ये सेव हुआ, और ये आपका यहाँ पे चला गया 203 आपका जो है ये यहाँ पे ये आपका आ गया है ना, ये देखें ये आ रहा है, ये देखें इसको जो है यहाँ पे ये आपके ये पोस्टिंग, और ये एक और मैं बताता हूँ फिर उसके बाद इसका मैं प्रोग्राम बनाना बताऊँगा आपको। एक और जैसे मिसाल के तौर पे 401 है, इसका कोड नेम आपका सबा, और बेसिक पे है इनकी 25,000 रुपये सपोज, और हाउस रेंट इनको मिल रहा है 4,000 रुपये, और कन्वेंस इनको मिलते हैं 3,000 रुपये, और मेडिकल इनको मिलता है 2,000 रुपये। तो इनका टोटल करने के लिए मैंने ये फार्मूला अपने पास यहाँ रख दिया है, ये आ गया, क्योंकि बार बार फार्मूला हट जाता है यहाँ से। फिर आपने इसकी ये इनकम टैक्स इनका कट रहा है 700 रुपये, और पेंशन में ये 600 रुपये डिडक्शन करवा रही हैं, और बाकी 300 रुपये यहाँ। अब आपने क्या किया, ये डेटा ये सेव करें, ये देखिए यहाँ से क्या ये यहाँ आ गया सभा, ये आ गई सभा, ये सभा का आ गया। एक और कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको प्रोग्राम बनाना बताएंगे कि किस तरह से, एक और ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इनका कोड है 601 कोड हो गया इनका, नेम इनका है जुबैर, इनकी बेसिक पे है 30,000 रुपये, हाउस रेंट इनको मिल रहा है 4,000 रुपये, और कन्वेंस मिल रहा है इनको 3,000 रुपये, मेडिकल मिल रहा है इनको 2,500 रुपये। अब टोटल के लिए मुझे यहाँ से फिर फार्मूला कॉपी कर लें, यहाँ रख लें कोई मसला नहीं है, यहाँ से कॉपी करें यहाँ रख लें कोई मसला नहीं है, और इनकम टैक्स डिडक्शंस हुई इनकी, इनकम टैक्स डिडक्शंस हुई सपोज 800 रुपये, पेंशन में इन्होंने दिए 600 रुपये, और जीपी फंड में इन्होंने 400 रुपये डाल दिए। अभी हमने यहाँ पर सेव किया, और यहाँ पे ये देखें जाके ये यहाँ पे आ गया, ये जुबैर साहब ये आ गया, ये सब ये यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर
ये सब जो है आपके यहाँ पे पोस्टिंग होगी। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ये किस तरह से ये बनाया जाता है। तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से आपको मालूम है कि ये इसका डेटा था, ये मैंने नाम तो वही मैंने रख दिया यहाँ पे उठा के। अब हमें वर्क करना है, काम करना है। अब आपको क्या करना है कि अब आप देखें कि इसको अगर मैं यहाँ पे, और ये मैंने इसका सारा डेटा डिलीट कर दिया ना, अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपने लिखा है यहाँ पे सैलरी पोस्टिंग, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इधर आपने हमें जो है अब माइक्रो लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा किस तरह से हम काम करते हैं। जैसे सपोज अब प्रोग्राम हम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाने में आईडी कोड सपोज किया 401 है, 401 नाम जनाब इसका नाम है सलीम, SALEEM सलीम खान नाम है, और बेसिक पे इनकी है सपोज 40,000 रुपये, 40,000 हाउस रेंट इनको मिलता है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कन्वेंस इनको मिलते हैं 4,000 रुपये, और इसके बाद मेडिकल भी इनको 4,000 रुपये ही मिलता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस हो गया आपका, और यहाँ पे फिर आपका इनका इनकम टैक्स डिडक्शंस होता है 300 रुपये, सॉरी इनका इनकम टैक्स सपोज 1,000 रुपये डिडक्शंस हुआ। पेंशन में ये बोलते हैं कि 800 रुपये दे देते हैं, और GP फंड में सपोज 700 रुपये, और नेट पैड। अब नेट पैड के लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा प्लस, और फिर उसकी प्लस आप करके यहाँ पे ग्रांड टोटल पे ले आए, और माइनस करते हैं आप इसको, फिर माइनस करते हैं आप इसको, फिर माइनस करते हैं आप इसको, और इंटर कर दें आप। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें माइक्रो बनाना है, माइक्रो। अब हम जाएंगे अब ये जो एंट्रीज है इसको हमने यहाँ से लिया, इसकी कॉपी करी, कॉपी करके और हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके हमने यहाँ रख के और इसको पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज में क्लिक किया, और ये हमने ओके कर दिया। तो आप देखें ये इस तरह से जो है हमारा आ जाएगा, ये हमारा इस तरह से आ गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब हमें ये हमने पोस्टिंग कर दी। फिर मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल जेड कर दिया, ये हमने पहले ही बनाया, ये हमने लिखा हुआ था। लिखने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं इसमें, आप जो है ना स्टॉक का काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आपने इसकी कॉपी करी, कॉपी करके आप यहाँ लाए, और यहाँ ला के आपने इधर रखा, और ये आपका वर्टिकल मेरे ख्याल से इस तरह से करके, और ये आपका यहाँ पे ट्रांसपोज, और यहाँ पे करेंगे एंट्री, ये आपने कर दिया, ये हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे आके हमने जो है अब इसमें हमें माइक्रो लगाना है, तो हम व्यू में जाएंगे, व्यू में गए और यहाँ पे देखिए माइक्रो लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड माइक्रो पे आ गए हम, ये रिकॉर्ड माइक्रो पे आ गए। तो अब ये माइक्रो का नाम पूछा, तो आप 1, 2, 3 जो भी लिखना चाहें लिख दें, या आप यहाँ लिख दें माइक्रो की जगह लिख दें सैलरीज, आपने सैलरीज लिखा, ये इससे सेफ हो जाएगा। ओके कर दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे लेके आए, इसकी कॉपी करी, कॉपी करने के बाद आप इसको लेके आएंगे, और यहाँ पे इसको एक दफ़ा आपको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल में जाके इसको ट्रांसपोज करेंगे, और ये देखेंगे आपका ये यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया ना, ये यहाँ पहुँच गया। और फिर इधर आप रख के इसको इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट करना लाजमी है, उसके अलावा काम नहीं करेगा। इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सैलरी पोस्टिंग, और अब हम जो है यहाँ पे आके सैलरी पोस्टिंग पे आके इसको हम डिलीट कर देंगे, और ये याद रहे कर्सर आपका ऊपर रहे, इसको यहाँ पे हमने डिलीट किया, और कर्सर को यहाँ छोड़ के इसका आप जो है माइक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग करा देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद आपको एक बटन बनाना है,
और बटन बनाने के बाद फिर इस पर हम काम करेंगे। अभी देखा आपने जो हमने ये किया था, ये यहाँ आ गया था। अब हमें एक यहाँ पे बटन बनाना है। अब बटन के लिए आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट में आप शेप पे गए और इसमें से कोई सा शेप खूबसूरत सा उठा लें, ये उठा लिया आपने, और यहाँ आपने जो है ये इसको, ये आपने इसको यहाँ और कर लें ये। अब यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे आपने लिखा सेव डेटा, डाटा सेव डाटा, और इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें, खूबसूरत कर लें इसको। आपने यहाँ पे ये बटन का कलर दे सकते हैं और इसको यू ब्लैक भी दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से ब्लैक भी सही रहेगा, ये सही रहेगा। और इसमें जो हमारा जो कलर है इसके अंदर, इसको हम ब्लैक कर देते हैं या येलो कर देते हैं, मेरे ख्याल से ब्लैक सही रहेगा। और इसको हम बड़ा कर देते हैं और ये हमारा, ये देखें बड़ा हो गया, सेव डेटा यहाँ आ गया। अब इस पर हमें लगाना है फिर एक, हमें यहाँ पे जाएंगे इसी पे बटन के ऊपर रखेंगे अपना कर्सर और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा असाइन माइक्रो। असाइन माइक्रो पे क्लिक किया आपने और देखें असाइन माइक्रो पे क्लिक करने के बाद आपने माइक्रो जो लगाया था सैलरीज का लगाया था, सैलरी पे आप क्लिक करें और इसको ओके कर दें, ये ओके हो गया आपका। अब ये आपका जो है ये काम करेगा जब आप इसको करेंगे, ये जब भी आप इस पर काम करेंगे ये आपका डेटे को जो है इस सैलरी के यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है। तो इसको इस पर हम जो है काम कर लेते हैं, इस पर काम करते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे हम काम करते हैं, ये देखिए इसमें अब आईडी कोड सपोज किया 601, नाम याद रखिएगा, मैं नाम डाल रहा हूँ इसमें सबा, सबा बेसिक पे 30,000 और हाउस रेंट है इनका 5,000 और उसके बाद कन्वेंस ले लें आप 4,000, मेडिकल 2,500। अब इसमें टोटल, ये टोटल आप इनका कर लें, यहाँ पे टोटल आ गया आपका, ये टोटल आ गया। फिर उसके बाद ये इनकम टैक्स इनका डिडक्शंस होता है, इनकम टैक्स इनका डिडक्शंस हुआ 1,000 रुपये, पेंशन इनकी डिडक्शंस होगी पेंशन की डिडक्शन हो गई 800 रुपये और जीपी फंड इनका हुआ 600 रुपये। अब नेट पेड में फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूले को यहाँ लगा के इधर ले आएँ और फिर माइनस करें इसको, फिर माइनस करें इसको, फिर माइनस कर दें इसको, इसको इंटर कर दें, यह आ गया आपका। अब इसको जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखें आपका चला जाएगा डेटा, ये गया सभा का डेटा, ये देखें यह आ गया सर 601 आईडी थी, ये सभा का डेटा आ गया आपके सामने मौजूद है ये बिल्कुल। फिर हम एक दफ़ा फिर आपको इसमें एंट्री करते हैं हम, इसमें कोड है हमारे पास सपोज 1110, नेम इसके अंदर हम ले लेते हैं जमील, जमील नाम है, बेसिक पे इनकी है 40,000, बेसिक पे इनकी है 35,000 कर लें 35,000, उसका हाउस रेंट है इनका जनाब 3,500, कन्वेंस है इनका 3,000 रुपये सपोज, और मेडिकल है इनका 1,200, और ये टोटल आपने यहाँ इनका टोटल किया। और उसके बाद फिर आप इनकम टैक्स ये डिडक्शंस करवाते हैं अपना जनाब 700 रुपये और हाफ पेंशन ये 600 रुपये डिडक्शंस करवाते हैं और जीपी फंड इनका 400 रुपये डिडक्शंस होता है। नेट पैड, अब नेट पैड के लिए यहाँ फार्मूला आपने लगा दिया, इधर आए ग्रांट टोटल पे आए, माइनस किया इसको, फिर माइनस किया आपने इसको, फिर माइनस किया आपने इसको। और अगर आप चाहें तो कोई इसमें तरकीब निकाल सकते हैं कि एक दफ़ा फार्मूला आया, अब इसको सेव कराएं, देखिए जमील और एक आईडी कोड 110 जमील, ये सेव किया आया, यहाँ गए और ये देखें कि आपका 110 ये जमील यहाँ पे आ गया। फिर एक एंट्री और हम करते हैं इधर और उसमें उसका हम कहना एक एंट्री और करते हैं, कोड हमारे पास सपोज 501 और नेम इसमें हम लिख देते हैं जनाब जुबैर, जुबैर और बेसिक पे है इनकी 45,000 रुपये, हो सकता है ये मैनेजर हूँ, हाउस रेंट है इनका 6,000 रुपये और कन्वेंस है इनका 5,000 रुपये और मेडिकल है इनका जनाब 4,000 रुपये। तो इसका आपने टोटल किया यहाँ से, ये टोटल कर लिया, इनकम टैक्स ये डिडक्शंस करवा रहे हैं 1,200 रुपये
पेंशन, ये पेंशन अपनी बोलते हैं कि 900 रुपये डिडक्शंस कर लो, जीपी फंड या 800 रुपये डिडक्शंस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आके हमने लिखा प्लस और हम गए ग्रांट टोटल में, फिर माइनस करेंगे हम इसको, फिर माइनस करेंगे हम इसको और फिर माइनस करेंगे हम इसको। तो ये इंटर हमने कर दिया, ये इंटर, इसको हम जब सेव कराएंगे डेटा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सुबेर साहब की ये सैलरी यहाँ पे आ गई। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें सिर्फ यही नहीं, आप स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, और जो आपके सामने डेटा नजर आता है जो आप कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।